रूमी तुम लाख उनके हिसाब से चलो, लेकिन वो तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। अक्षा तो गुनाहों को जाता है, गुनाहगारों को जाता है। मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। नहीं मामा, आप मना करते हैं। आंटी ने काम वाली अरेंज कर लिया है। जी जी वो करीब में ही रहती है, इधर ही, नहीं होगा मसला। ओके हाफिज। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं आइए। तुम काफी अपसेट लग रही हो, सब ठीक है? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे। आंटी जो कुछ भी तुमसे कह रही थी मैंने सब सुन लिया है। वो तो हमेशा से ही ऐसी हैं। तुम्हें इन सब बातों की आदत नहीं है ना, इसलिए परेशान हो रही हो। मैंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं था। पता नहीं वो क्यों इतना गुस्सा हो गई, हालांकि हाँ भी असर नहीं की थी। हाँ मैं जानती हूँ, तुम परेशान मत हो। और सुनो, खुद को कभी भी अकेला मत समझना। बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि तुम्हें हर बात असद भाई को बतानी चाहिए। देखो मैं अपनी हर बात नबील को बताती हूँ और वो हमेशा मेरे पीछे खड़े होते हैं। वरना आंटी का बस चलता तो वो कल का क्या आज ही मुझे निकाल देती। नहीं लेकिन वो असद के ऊपर तो जॉब का इतना बोझ होता है, इतना काम करते हैं वो। मैं ये बातें बताऊंगी तो वो और परेशान हो जाएंगे। देखो रूमी, चुप रहने की बेवकूफी कभी मत करना, वरना आंटी तुम्हें निकाल बाहर करेंगी। लेकिन मैं तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही जो वो मुझे घर से निकालेंगी। मैं तो उनके हिसाब से चल रही हूँ। रूमी तुम लाख उनके हिसाब से चलो, लेकिन वो तुम्हें बख्शने वाली नहीं है। अक्षा तो गुनाहों को जाता है, गुनाहगारों को जाता है। मैंने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है। हसद भाई ने तुमसे पसंद की शादी की है और वो ये गुनाह बख्शने वाली नहीं है कभी भी। तुम इस घर में अपनी मर्जी से थोड़ी आई हो जो चुपचाप हर बात को बर्दाश्त करती रहोगी। तुम्हें कोई भी बात बुरी लगे तो उस पे रिएक्ट करो, उन्हें बताओ कि तुम्हें बुरा लगता है, तुम पत्थर की नहीं हो। और असद भाई को भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए, और ये एहसास उन्हें तब होगा जब तुम उन्हें ये बात रियलाइज करवाओगी कि तुम्हें बुरा लगता है। खुद को समझो।